आज की इस वीडियो का टॉपिक है पंच। यह एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है, जैसा कि आप जानते हो। इसका प्रयोग हर वर्क पीस के ऊपर मार्किंग करने या चिन्हित करने या उसका ड्रिलिंग करने से पहले मार्किंग करने के प्रयोग में किया जाता है। इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे हेड होता है, बॉडी होता है, पिन होता है। इसमें हम इस वीडियो में हम इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी के बारे में देखेंगे, जैसे व्हाट इज पंच, यूज ऑफ पंच, टाइप ऑफ पंच, वर्क ऑफ पंच, नेम ऑफ पंच, मेटल ऑफ पंच, लेंथ ऑफ पंच, नेस्ट डायमीटर ऑफ पंच, यानी कि पंच क्या होता है, किन्हें पंच कह सकते हैं, पंच का प्रयोग क्या होता है, कितने प्रकार के पंच होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनके क्या क्या नाम होते हैं, ये किस प्रकार के पदार्थ के बने होते हैं, इनकी लंबाई क्या होती है और इसका सर्कुलर डायमीटर क्या होता है। तो आते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पंच। व्हाट इज पंच? वर्ड्स ऑफ यूज पंचेस फॉर लोकेशिंग सेंटर फॉर ड्राइंग सर्कल्स टू पंच होल इन सीट्स मेटल्स टू स्टार्ट होल फॉर ड्रिलिंग टू रिमूव डैमेज रिवेट बोल्ट और पिंस एंड टू ट्रांसफर लोकेशिंग ऑफ होल इन पैटर्न। आई थिंक ये टेक्निकल वर्ड आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके बारे इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं, जैसे इसके बारे में इसका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। इसका यूज़ मार्किंग के लिए किया जाता है और यह हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इनका शेप अष्टभुजाकार होता है। इनका डायमीटर 4 से 12 mm होता है। आखिर में इसकी लंबाई 125 mm तक होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद पंच के मुख्य 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी एंड पॉइंट। इसमें हेड हेड रहता है, लेकिन बॉडी को सैंक भी कहते हैं और इसके पॉइंट पॉइंट को टिप भी कहते हैं। उसके बाद जानते हैं टाइप ऑफ पंच। पंच को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट होलो पंच एंड सेकंड सॉलिड पंच। जैसा कि आज आप इमेज में देख रहे होंगे, होलो पंच नुकीले सिरे के अंदर से खोखले भाग के बने होते हैं। इसके द्वारा किसी भी मटेरियल को पूर्णतः निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है सॉलिड पंच। बाकी सभी बचे जिन्हें शायद हैमरिंग के द्वारा प्रयोग किया जाता है, सिवाय ऑटोमेटिक पंच को छोड़कर, उन सभी को सॉलिड पंच की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं होलो पंच के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये अंदर से सिलेंडर नुमा स्टील के बने हुए खोखले होते हैं। इनका आगे से सिरा नुकीला पैना होता है, जिससे इसके द्वारा किसी भी लेडर पीस को आसानी से काट करके उस भाग को बाहर निकाला जा सकता है। इसका प्रयोग सिर्फ इसी प्रकार से कारों में किया जाता है। उसके बाद है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच रॉड नुमा होते हैं, जिनका प्रयोग हैमरिंग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड पंच की। नंबर 1 सेंटर पंच, सेकंड डॉट पंच, उसके बाद प्रिंग पंच, पिन पंच, बेल पंच और सबसे आखिर में ऑटोमेटिक पंच। सभी पंचों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। सभी सॉलिड पंच किस प्रकार के मटेरियल के बनते हैं? यह एक हाई कार्बन स्टील के द्वारा बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। उसके बाद आपके ये सभी 6 से 7 पंच में से सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिंग पंच सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम और विषय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से अक्सर इनके टिप का एंगल पूछ लिया जाता है। जैसे सेंटर पंच का एंगल 90 होता है, डॉट पंच का एंगल 60 होता है और प्रिंग पंच का एंगल 30 होता है। और यूँ कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही 3 पंच होते हैं। आप बाकी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये 3 पंच के बारे में आपको पता होना चाहिए, विशेषकर इनके एंगल के बारे में, 90, 60, 30। इस प्रकार से आप इसके बारे में याद रखिए। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर पंच से। यूज टू मेक अ मार्क ऑन द मटेरियल वेयर द होल विल बी ड्रिल वेन स्ट्रक अ स्मॉल इंडेंटेशन इज द मेड
इंडी वर्क पीस, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर इसका अभी मैंने आपको बताया इसका एंगल, इसका टिप का एंगल 90 डिग्री होता है, और इसके बारे में और कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इसका प्रयोग हैमरिंग के द्वारा किया जाता है, जैसे कि सभी का किया जाता है ऑटोमेटिक को छोड़ के। उसके बाद आता है डॉट पंच, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसके टिप का एंगल 60 डिग्री होता है, और इसका मेनली प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें ड्रिल करना हो, उससे पहले मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रीक पंच, इसका भी एंगल मैंने आपको बताया था, इसका जो टिप होता है टिप का पॉइंट 30 डिग्री होता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, अप प्रीक पंच इज सिमिलर टू द सेंटर पंच, ये है सेंटर पंच के समान होता है। मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जो कि आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद है पिन पंच, यह सुईनुमा आकार का होता है। वैसे हर एक टेक्निकल स्टूडेंट की ख्वाहिश रहती है कोई ना कोई टेक्निकल टूल उनकी पॉकेट में हमेशा बना रहे, खास करके पंच। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ, कोई भी पंच अपनी पॉकेट में या पीछे वाली पॉकेट में रखिए, लेकिन पिन पंच को कभी मत रखिए, खासकर पीछे वाली पॉकेट में, भाई डर तुम फील नहीं कर पाओगे। और इसके बारे में थोड़ा सा, इंक्रीज रिस्क टू पर्सनल सेफ्टी, थोड़ा पढ़ लीजिए। इसके बाद है बेल पंच, बेल पंच का मतलब कोई घंटा पंच नहीं है। वैसे आप शायद इसका हिंदी अर्थ लगा रहे होंगे कि बेल पंच एक घंटा पंच होता है, नहीं, इसका थोड़ी खास मतलब है। बेल्स हैव बीन मेड ऑफ द वेरियस मेटल, बट द बेस्ट हैव ऑलवेज बीन एज नाउ ऑफ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। आपने शायद सुना हो कि बेल घंटा धातु होती है, उस प्रकार की धातु का ये इसकी बॉडी बनाई जाती है। वह धातु एक अलॉय होती है, वह अलॉय कॉपर और टिन की होती है, इन दोनों के मिक्सचर से बनी हुई धातु को घंटा धातु कहते हैं, इसलिए इसका नाम बेल पंच पड़ गया, और कोई खास इसका रीजन नहीं होता। आखिर में ऑटोमेटिक पंच, ऑटोमेटिक हाइपर हैंड हेल्ड टाइप 90 डिग्री पॉइंट, यह ऑटोमेटिक होता है। इसकी कोई एक छोटा रीजन भी है, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की मैकेनिज्म बनी होती है, जिसके प्रकार ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक सिर्फ इतना वर्क किया जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली किसी भी स्थान पर पंचिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ एन एडजस्टेबल रेगुलेटर फॉर डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ द पंच। इट हैज़ आल्सो इंटरचेंजेबल पॉइंट टू ऑटोमेटिक पंच, कंटेंस अ टेंशन स्प्रिंग फॉर मार्किंग विदाउट द यूज ऑफ हैमर। इसके ऊपर किसी प्रकार के हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता, और खास मैकेनिज्म ये होती है इसके अंदर कि एडजस्टेबल रेगुलेटर प्रयोग किया जाता है। बस काफ़ी है, ये पंच आपका यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हार्मफुल रहा होगा, वैसे भी आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो ये वाकई में आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहा होगा, क्योंकि पंचेस एंड टाइप ऑफ पंचेस इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू नीड दिस टाइप ऑफ वीडियो।